स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, पिछले लेक्चर में हमने एडिशन के सम किए थे और आज भी एडिशन के सम ही करेंगे। इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सम लिखा है और इस सम को हमें पहले समझना है, समझने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये सम। इन ए स्कूल, एक स्कूल में, विलेज, गांव के एक स्कूल में, देयर आर 768 बॉयज, 768 लड़के हैं, 689 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, एंड 50 टीचर्स, 50 उसमें अध्यापक है। फाइंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, हमें बताना है कि इस स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बॉयज कितने हैं, तो ये बॉयज ये लिखे हुए, फिर गर्ल्स ये लिखी हुई, टीचर्स ये लिखे हुए, तो हमें इनकी लाइन यहां पे लिखनी है, ठीक है। हम लिखेंगे देयर आर बॉयज इन स्कूल, कितने हैं? 768, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। फिर कहता है कि गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स इन स्कूल, गर्ल्स कितनी है? 689, हम इसके नीचे लिखेंगे 689। इसी तरीके से हम टीचर्स लिखेंगे, देयर आर टीचर्स इन स्कूल, टीचर्स कितने हैं? 50। अब लिखेंगे यहां पे टोटल स्ट्रेंथ, इसमें टोटल स्ट्रेंथ पूछी है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ और इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। 8 और 9 कितने होते हैं? 17। 17 और 0 17। 17 कैसे लिखा जाता है? ये, तो हम यहां पे कौन सा डिजिट लिखेंगे? ये 7 और 1 कैरी यहां। ओके, अब इनको प्लस करते हैं, 6 और 1 7, इसको कैरी को ऐड करना है, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का यहां आएगा 0 और 2 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 6 9 और 6 हुए 15, तो यहां लिखेंगे 15। ओके, ये क्या है? स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। दूसरे सम की तरफ चलते हैं। देयर आर 368 चॉकलेट्स, इतनी तो हमारे पास चॉकलेट है, 275 चिप्स, इतनी चिप्स है, 318 टॉफीज, इतनी हमारे पास टॉफी है, इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर, और इसने टोटल पूछा है हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर इन ए बॉक्स, उस बॉक्स में कितनी स्वीट्स है, मतलब कितनी ये चीजें रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चॉकलेट लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सोल्व या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखेंगे देयर आर चॉकलेट्स इन बॉक्स, कितनी है? 368, तो हम लिखेंगे 368, ठीक है। फिर इसने चिप्स की बात की है, तो हम यहां लिखेंगे देयर आर चिप्स इन दिस बॉक्स, यहां क्या लिखेंगे? 275, ठीक है। फिर ये क्या कहता है? टॉफी, तो टॉफी कितनी है लिखते हैं, देयर आर टॉफीज इन दिस बुक बॉक्स, कितनी है टॉफी? 318, 318,
ठीक है, तो टोटल पूछा इसने, यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं सीधा, सिंपल ही हम टोटल, ठीक है, इनको क्या करेंगे प्लस 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, यहां पे है 21 का 1 कैरी 2, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और ये 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, इनको ऐड करते हैं 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 एंड 3 9, तो यहां आएगा 9, ओके समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, इन एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट का मैच है, सौरभ गांगुली स्कोर 240 रन्स इन फर्स्ट इनिंग, जब वो पहली बार खेलता है सौरभ गांगुली तो वो 240 रन बनाता है, यानी कि 240 रन्स बनाता है, ठीक है, एंड 100 रन्स इन सेकंड इनिंग, जब वो दूसरी बार खेलता है तब कितने रन बनाता है 100, फाइंड हिज टोटल स्कोर इन बोथ इनिंग, तो इन दोनों का उसने दो बार पारी खेली, ठीक है, मैच में, तो उसने कितने स्कोर बनाए, चलिए लिखते हैं यहां पे सॉल्यूशन, लिखेंगे सौरभ गांगुली स्कोर इन फर्स्ट इनिंग कितने रन बनाए 240, ठीक है, यहां पे फिर से दोबारा लिखेंगे सौरभ गांगुली स्कोर इन सेकंड इनिंग, सेकंड में दूसरी बार उसने पारी खेली तो कितने रन बनाए 100, यहां पे 100, अब इसने टोटल पूछा है तो हम यहां पे लिख देंगे टोटल, इनको क्या करेंगे प्लस 0 4 2 और 1 3, तो टोटल कितने रन बनाए 340, समझ में आया सभी बच्चों को, ओके चलिए कुछ और सम करते हैं, हेलो एवरीवन, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए इस नीचे दिए गए ऑप्शनल सब्सक्राइब पर टैप करें और बेल आइकन पर जरूर टैप करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन पर टिक कीजिए और अपने जो भी शेयर ऑप्शन है उस पर टिक करके वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ऑप्शन पर भी टिक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।